करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन हजारों साल का हमारा इतिहास है, हजारों साल की हमारी परंपरा है, हजारों साल की ये रवायतें हैं, ये मिटाने से नहीं मिट सकती हैं। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, तमाम कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ, मैं टेलीविजन में ऑन एयर ये बात कहता हूँ कि भाई अगर कोई गलत काम हमने किया हो तो हम छुप छुप के मिले, लेकिन हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, डंके की चोट पर कहते हैं। हर इंसान को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आज़ादी दी है कि अपने ख्यालात का इजहार बड़े खुल के करें। आपका ख्याल ये है कि आप उनके साथ खड़े हैं, हमारा ख्याल ये है हम इनके साथ खड़े हैं। और अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, वो दिया रह जाएगा। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं आने वाली ईद के लिए, और इस मुकद्दस मौके पर, इस खूबसूरत मौके पर मैं प्रार्थना करता हूं परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो जो मुराद आपने अपने दिल में रखकर रोजा रखा है, ऊपर वाला उन्हें जरूर पूरा करे, मौला उन्हें पूरा करे, अल्लाह तबारक ताला उन्हें पूरा करे, वो परमात्मा उन्हें पूरा करे। और इस देश की एकता के लिए जो आप काम कर रहे हैं, आपको पूरी ताकत पूरी तौफीक अता करे। इसी ख्यालात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आपको दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ, दिल से पेश करता हूँ, कल की धाम की तरफ से पेश करता हूँ, संत समाज की तरफ से पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।